कृष्ण की नगरी मथुरा में आज अक्षय नवमी के पर्व पर पंचकोसी परिक्रमा पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जी हां, श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और आस्था भक्ति के साथ मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा लगाकर पुण्य फल प्राप्त किया। कान्हा की नगरी के चारों ओर मानव श्रृंखला बन गई। परिक्रमा से पहले भक्तों ने विश्राम घाट पर यमुना स्नान और पूजन किया। ब्रज मंडल में अक्षय नवमी पर्व का अपना अलग ही विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा लगाए जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए गए कर्मों का नाश होता है, साथ ही अच्छा पुण्य फल मिलता है। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा लगाकर पुण्य फल प्राप्त करते हैं। वहीं परिक्रमा मार्ग राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। जिला प्रशासन एवं मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा श्रद्धा और भक्ति के इस अपार जनसैलाब को देखते हुए व्यवस्थाएं की गई थी। श्रद्धालुओं का कहना है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। निगम और जिला प्रशासन द्वारा इस बार दुरुस्त व्यवस्थाएं आम जनमानस के लिए की गई हैं। लाखों लोग आज परिक्रमा कर पुण्य फल की प्राप्ति कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? रंजीता मिश्रा। रंजीता जी, आज अक्षय नवमी का दिन है, बड़ा पर्व है, काफी लोग परिक्रमा दे रहे हैं। आज के दिन की क्या मान्यता रहती है? परिक्रमा देने से क्या महसूस होता है? दो परिक्रमा होती है, एक होती है तीन वन वाली जो वृंदावन से शुरू होकर वृंदावन पे खत्म होती है, और एक होती है सिर्फ मथुरा की जो मथुरा से शुरू होकर मथुरा पे ही खत्म होती है। अक्षय नवमी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इस अक्षय नवमी का जो दान, जो धर्म किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, इसीलिए आज के दिन परिक्रमा दी जाती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार शर्मा है। शर्मा जी, आज ये अक्षय नवमी का दिन है, बड़ा पर्व है, पीछे लाखों श्रद्धालु ये परिक्रमा लगा रहे हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग हैं इसमें। ये कहाँ से कहाँ तक परिक्रमा लगाई जाती है और आज के दिन का क्या भाव रहता है? आज ये अक्षय नवमी का पर्व है और इस अक्षय नवमी के पर्व हिंदू धर्म के मुताबिक बहुत ही पुण्य कर्म होते हैं, जो दान करते हैं उनके बहुत आगे जाके पुण्य कमाते हैं। फिर और परिक्रमा मथुरा वृंदावन गढ़ गोविंद, ये तीनों मन की परिक्रमा होती है और बड़ी आस्था का सैलाब निकला हुआ है, आप देख सकते हो जी। तमाम जनता पुण्य कमा रही है। ये भंडारे भी किए जा रहे हैं? हाँ, ये भंडारे केवल आपके द्वारा किया गया है या मथुरा में सभी जगह जहाँ जहाँ मथुरा में जगह जगह सब कर रहे हैं लोग, जैसे जैसे श्रद्धा बन रही है उसी प्रकार से कर रहे हैं लोग। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।